ओह कितनी गर्मी है दोस्तों, इस गर्मी में तो रंग बिरंगी कोल्ड ड्रिंक पीना तो बनता ही है। लेकिन अगर हम शुरुआती 19वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय कोल्ड ड्रिंक को सोडा के नाम से जाना जाता था। शुरुआती में सन 1812 से कोलकाता के अंग्रेजी अधिकारी इंग्लैंड से सोडा भारत मंगाया जाता था। उस समय भारतीय सोडा पहली बार देख रहे थे। बोतल खोलते ही आधा सोडा झाग बन के बाहर गिर जाता था। यह देखकर अंग्रेजी अधिकारी अपने भारतीय नौकर को डांट लगाते हैं। इस तरह से बर्बाद कर रहे हो, तुमको पता भी है एक दर्जन सोडा की बोतल की कीमत क्या है? 14 रुपए। हाँ, अगर बाद में अगर बोतल वापस कर दिया जाए तो 12 रुपए वापस भी देते थे। आगे चलकर कुछ समय बाद कोलकाता में सोडा बनाने की शुरुआत केमिस्ट सी हॉकिंसन ने किया था, जिससे सोडे की दामों में थोड़ी कमी हुई। एक दर्जन बोतल की कीमत अब 9 रुपए में मिलने लगा था। धीरे धीरे कोलकाता में काफ़ी सारा सोडा बनाने का कारखाना खोला गया, जिससे यह हुआ कि अब सोडा का दाम मात्र 2 से 3 आना हो गया था। लेकिन ये 2 से 3 आना भी आम भारतीयों के लिए बस की बात नहीं था। उस समय बड़े बड़े जमींदार और राजा महाराजा ही यह सोडा पी पाते थे। तो यह था भारत में कोल्ड ड्रिंक की शुरुआती कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल राकेश पंडित लर्न को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।